हाँ तो भाई क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ मेरे से तो बढ़िया ही होंगे पहले की तरह आपके। तो वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग, व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। तो भाई व्लॉग की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन और स्टार्ट करते हैं हम अपना व्लॉग। तो भाई मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ था और जहाँ आया हुआ हूँ ये हमारे घर से ऐसे तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर होंगे और ये है चिरोड़ी की मार्केट। और भाई जो फ्रेंड आए हुए हैं ना वो गए हुए हैं अपने काम से, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो कैमरे के आगे सामने नहीं आते हैं, तो वो गए हुए अपने काम से, मैं यहाँ बैठा हुआ था, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं चलो कोई बात नहीं, एक व्लॉग आज का बना देता हूँ मैं यहाँ का, तो आप इंजॉय करना। फ्रेंड आएंगे मैं आपको दिखा दूँगा, अभी हम जाएंगे यहाँ से थोड़ी देर में, वैसे आ चुके हैं मेरे फ्रेंड और मैं आपको रास्ते में दिखाऊँगा और सारी चीज़ें। तो आप मुझे बताना ज़रूर बोलना कि आपने जब पिछले वाले व्लॉग देखे थे वो आपको कैसे लगे थे, ठीक है। क्योंकि भाई लाइक वाइक तो था नहीं उस पर, मेरे को ज़्यादा दिक्कत हुई थी उस पर, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं मार्केट में हूँ, मैं आपको फ्रंट कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओके तो भाई ये है चिरोड़ी की मार्केट, ठीक है। ये हमारे घर से थोड़ी सी आगे को आती है, ये चिरोड़ी रटोल वगैरह का रास्ता है, यहाँ से खट्टा वगैरह भी जा सकते हैं, यहाँ से बागपत वागपत तो जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। रास्ता बढ़िया है एकदम, ठीक है। ये पूरी की पूरी मार्केट है यहाँ पर, पूरी की पूरी, ठीक है ना। बाकी लोनी से तो बड़ी नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही है, जो भी आसपास का बंदा हो ना तो यहाँ से जो है कोई भी सामान वामान ले सकता है अपना। और मैं चलता हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं यहीं पीछे रुका हुआ था जहाँ आप देख सकते हैं हलवाई की दुकान है, यहाँ पे हम बैठकर फ्रेंड वगैरह जो है समोसे वगैरह खा रहे थे, ठीक। तो अब वो आगे जा चुके हैं, सामान वगैरह कुछ मेरे ख्याल से अपना कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ था और बाइक है मेरे पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनकी बाइक लेके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। और चलते हैं हम आगे का भी लोग आगे दिखाता हूँ मैं, थोड़ा बहुत आपको सिनेमेटिक शूट दिखा दूँगा रास्ते का, बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं खास। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि मैं अगर कहीं जाऊँगा तो मैं आपको जो है दिखा दूँगा वहाँ का भी लोग, और अभी फिलहाल मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं कल या परसों जाऊँ, तो मैं आपको रास्ते में एक जगह दिखाऊँगा, मेरे को बहुत दिन से लग रहा था कि मैं वहाँ की वीडियो बनाऊँ, तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते में, ठीक है ना, जब तक कि आप लोग इन्जॉय करें। भाई कोशिश तो करिए मैंने लगाने की, ठीक है ना, मोबाइल सेट करने की, पता नहीं कि रुकेगा या नहीं रुकेगा। बाकी अगर ये रुक गया तो ठीक है, नहीं रुका तो फिर फ्रेंड को पकड़ाएंगे हम अपने फ़ोन। जब तक के लिए मैं ऐसी चलो मंदी मंदी चला लेता हूँ बाइक, ठीक है ना। तो यार आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो हमारे चैनल पर बिल्कुल भी, क्योंकि यार आप अगर सपोर्ट नहीं दिखाओगे थोड़ा सा भी तो यार चैनल कैसे ग्रो करेगा और कैसे व्लॉग वगैरह हमारे और बंदों तक जाएंगे। क्योंकि यार आप ही तो बंदे हो जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, अगर वही बंदे व्लॉग नहीं देखेंगे या हमारी वीडियो नहीं देखेंगे तो हमारे व्लॉग आगे कैसे चल पाएंगे। हम डिमोटिवेट रहते हैं यार, पर जब भी कोई बात नहीं मोटिवेशन मिलता है हमें। हमारी वीडियो पे अगर 10 लाइक भी आते हैं तो हम, या 10 व्यू भी मिलते हैं तो मैं उससे बहुत खुश रहता हूँ। क्योंकि भाई 10 बंदों को भी अगर तुम अपनी वीडियो दिखा रहे हो तो यार वो भी बहुत बड़ी बात है, कम से कम कोई तुम्हारे लिए टाइम तो खर्च कर रहा है, ठीक है। 10 बंदों को अगर तुम 5 मिनट की वीडियो दिखाओगे तो 50 मिनट हो गए, कोई तुम्हारे लिए 50 मिनट एक घंटा ख़राब कर रहा है तो वो भी बात माना करो बात को, ठीक है। तो भाई ये देख सकते हो आप यहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट बन रही है, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ को, ठीक है। हम यहाँ से घर की तरफ को जाएंगे, आप इतने देखते रहे, फ़ोन कर लेना। फ़ोन भी घर रखा रखा आपने, वो यार बंदे ने अच्छी वो करी चोट हमारी जान को, पता कहाँ चला गया।
आगे तो कहीं जा नहीं सकता, वो आगे कहाँ जाएगा वो। अब एक काम कर, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ और तू जा और ढूंढ। A few moments later. तो भाई दो तीन चक्कर काट दिए हैं हमने, और दो तीन चक्कर काटने में अभी तक बंदा मिला नहीं है। अब वो चौथी बार फिर जा रहा है, बाइक लेके गया है, मैं बैठ गया यहाँ पे और वो बंदे को ढूंढने के लिए गया है। अगर वो बंदा मिल जाता है तो पता नहीं वो कहाँ पर चला गया है। इसके साथ ही आ रहा था एक फ्रेंड के, लेकिन वो बीच में से ही चला गया कहीं पर, ठीक है ना। तो वो अभी गया है उसको ढूंढने के लिए, अब देखते हैं कितनी देर में आता है ढूंढ के, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ रास्ते में कहीं बैठा हुआ था, भैया के पास बैठ गया था मैं यहाँ, ठीक है, यहाँ बैठ गया था मैं। ये दुकान सी है एक, देख सकते हो रास्ते में देखा होगा, मैं अभी इधर से ही आया था और अब की साइड में इधर की साइड जाऊँगा। तो भाई आप देख लेना, अभी पता नहीं क्या होता है, आया नहीं है अभी वो बंदा, गया हुआ है देखने के लिए। और भाई देखना तुम यार, थोड़ा बहुत प्यार व्यार दिखाओ वीडियो पे, कुछ नहीं रखता इन चीज़ों में। और मैं अभी मास्क नहीं उतार सकता, क्योंकि जब मैं बाइक पे बैठा हुआ ना, अब जब जाएंगे तो मैं मास्क उतार दूँगा, अभी मैं मास्क नहीं उतार सकता भाई। मुझे सबसे पहले अपनी सेफ्टी की फिक्र रहती है, इस वजह से मैं कहीं भी बाहर रहता हूँ तो बाहर के साइड में मास्क नहीं उतारता हूँ। जब मैं अकेला रहता हूँ या मैं कहीं अकेले में हूँ या कोई मेरे साथ नहीं होगा, जब मैं मास्क उतार के बात करता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा। तो आप यार कोशिश करें, और भाई मैं आपको वो बताया था कल भी कि मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, जो भी मेरे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर हैं मैं उनके लिए एक ग्रुप बनाने वाला हूँ अपना। तो उस ग्रुप में क्या होगा कि हम जितने भी हमारी भाई जो हम छोटे छोटे बंदे रहते हैं, जो जितने भी यूट्यूबर हैं हम छोटे छोटे, तो हमारी वीडियो जो है इतनी चलती नहीं है जल्दी से, ठीक है ना। एक दो व्यू, तीन चार व्यू आते हैं उनके ऊपर, वो चलती नहीं है। तो भाई क्या है कि इसी वजह से है ना, मैं सोच रहा था कि अपने है ना 100-150 बंदे ऐसे इकट्ठे करेंगे ग्रुप में, जो हम अपन आपस में एक दूसरे की शेयरिंग करेंगे वीडियो की, सब्सक्राइबर की और व्यू की, लाइक की, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर वाइज सबको एक दूसरे की वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। अगर हम 100 बंदे भी अगर एक ग्रुप में होते हैं तो चाहे मेरे को बात करनी पड़े ग्रुप में, लेकिन अगर हम 100 बंदे भी एक ग्रुप में होते हैं तो 100 बंदे अगर एक वीडियो को वॉच करेंगे डेली एक दूसरे की, तो भाई बताइए हो जाता है। तो आप यार अगर हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो भाई मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो जो मुझे कमेंट कर सकता है वो कर दे। और अपना अपना टेलीग्राम पर एक अकाउंट बना लें, जिस भी आईडी से आप बनाना चाहते हैं। लेकिन आप जो है, मैं कहूँगा कि आपको आप उसी आईडी से बनाएं जिस आईडी पे आपका यूट्यूब चैनल है, जिसको आप ग्रो करना चाहते हैं, आप उसी आईडी से अपने एक टेलीग्राम चैनल, मतलब जो भी अकाउंट रहता है वो बनाएं, और उसमें फिर हम एक दूसरे के साथ में जो है वीडियो शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर शेयर करेंगे, और वो भी रियल वाले, लेकिन रियल ही होने चाहिए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो भी ये जो उल्टे सीधे प्लेटफॉर्म आते हैं, थर्ड पार्टी ऐप आते हैं भाई, मैंने इनको इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, मैंने इनको इस्तेमाल कर लिया है। मैंने 50 सब्सक्राइबर बढ़ाए थे इससे, लेकिन जो है 50 सब्सक्राइबर दो दिन में ही डाउन चले गए और उन्होंने चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया, ठीक। तो इसलिए रियल बंदे ज़रूरी हैं। तो भाई फ़ोन आ रहा है अभी किसी का, इसलिए मैं जो है ब्लॉग को बीच में रोकता हूँ, और आगे का ब्लॉग आपको रास्ते में दिखाऊँगा। जब तक के लिए आप ये ब्लॉग इन्जॉय करें, और पिछली वीडियो पर जाना हो तो हमारे एंड स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है ना, और ऊपर आई बटन में मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा। तब तक के लिए आप इंजॉय करें भाई। हाँ तो भाई, जो बंदे को ढूंढने गया था वो बंदे मिल चुके हैं, लेकिन मेरे पीछे बैठे हुए हैं, मैं बाइक चला रहा हूँ लेकिन आपको दिखा नहीं सकता, उसके लिए सॉरी, ठीक है। मेरे पीछे मेरा दोस्त सोनू बैठा हुआ है और एक दोस्त अनिल बैठा हुआ है, ठीक है ना।
वो भाई इसलिए नहीं देखने को मना करते, उनके मुंह पे है ना मुहासे निकल रहे, इसलिए वो नहीं आते आगे कैम के, इसलिए भाई मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो भाई आप इतने ब्लॉक का मजा ले रास्ते का, राइड का, और हम चलते हैं, रास्ते में रुकते हैं कहीं तो आपसे थोड़ी बहुत टॉकिंग करते हैं, इतना आप मजा ले। देख सकते हो पार्क, ये बहुत बड़ा पार्क है और एकदम ग्रीनरी है यहाँ पे, और देखो बीच में जो है रोलर भी खड़ा हुआ है, ये रोल करता है यहाँ पर, ये जो भी मट्टी वगैरह होती है ना, ये जहाँ पर पिच होती है वो बीच में आपको पिच दिख रही होगी, ये जो पिच दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहीं पर क्रिकेट वगैरह होते हैं, इस वजह से ये पिच के लिए यहाँ पर खड़ी कर रखी है। तो भाई तो आप देख सकते हो, और ये भैया यहाँ खेत है का सारा, ठीक है खेत है यहाँ सारा का सारा, ये ऊपर पिछली तरफ भी एक कॉलोनी बसी हुई है, और इधर भी एक ये मंदिर सा है उसके। भाई इधर आपको अभी यहाँ से हम आए हैं, आपको पता है चिरोड़ी, और अब अभी अभी हम इस तरफ को जाएंगे जो कि हमारा घर पड़ेगा, और भाई अपन मिलते हैं घर पे, ठीक है ना। आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलना बिल्कुल भी। अब हम जा रहे हैं अपने घर पे, और भाई यार धूप हो रही है, कोई बात नहीं, घूम रहे हैं तो क्या हुआ यार, आप लोगों के लिए घूम रहे हैं हम, ठीक है ना, ताकि यार आपको कुछ नॉलेज मिल सके मेरी वजह से। अब इतना तो मुझे पता नहीं कि मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो बढ़िया है, लेकिन जो भी है आपको सही बताने की कोशिश करूँगा मैं। तो मिलते हैं भाई अपने घर पे।